बन्ना हजारे 19 साल की उम्र में धरना दे सकते हैं तो हम छात्र क्यों नहीं। 21वीं सदी का भारत है जहां मोदी का राज है और हमें अपनी बात कहने का पूरा हक है। कानपुर में ऐसा ही बोलकर छात्रों ने एक प्रतिष्ठित गौरव मेमोरियल स्कूल में स्ट्राइक कर दी है। छात्रों ने स्कूल प्रिंसिपल पर उत्पीड़न के आरोप लगाए और स्कूल से हटाए गए टीचर्स को वापस लाने की मांग की। हंगामे की सूचना पर पुलिस को स्कूल प्रबंधन ने काफी देर तक स्कूल के अंदर नहीं आने दिया। काफी देर बाद पुलिस अंदर पहुंची। पुलिस ने मामले को शांत कर छात्रों से बातचीत कर मामला निपटाने की भी बात कही। स्ट्राइक सर इसलिए कर रहे थे क्योंकि सर एमडी सर को निकाल दिया गया। वो हम लोगों को हर प्रोग्राम में खुद खड़े होके मतलब बच्चों को बिल्कुल देखते थे और यहाँ नए प्रिंसिपल आ गए वो टीचर्स को निकाल देते हैं। नए नए अच्छे अच्छे टीचर्स को निकाल देते हैं जो 12 साल से जो स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं यहाँ पे बहुत पहले से पढ़ा रहे हैं उनको निकाल देते हैं। और यहाँ पे स्ट्राइक की तो उसके लिए रेस्टिगेशन लेटर पकड़ा दिया हम सबको। अगर अन्ना हजारे अगर कर सकते हैं 90 साल की उम्र में तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते अपने राइट के लिए स्ट्राइक। रेस्टिगेशन करना है कर दीजिए लेकिन अपने हक के लिए लड़ेंगे क्योंकि ये भारत है 21वीं सदी का भारत है। आज से 10 साल पहले भारत अलग था, ये मोदी युग है, राम युग है, अब का भारत अलग है। नहीं हुड़दंग या स्ट्राइक जैसा तो कुछ नहीं है, ये सिर्फ उनकी नादानी है कुछ चीज़ों को लेकर के जो वो समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका उनसे कोई निस्बत नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन कुछ अननोन एलिमेंट्स या कह लीजिए अनसर उसमें आकर के वो चीज़ें कर रहे हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है।